हाँ जी, क्लास नाइन्थ, एक्सरसाइज 13.8, क्वेश्चन नंबर 3। द डायामीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायामीटर दिता हुआ बॉल का, ठीक है, 4.2, तो वह अपन ने मास पुंज पता करना, डेंसिटी दी हुई है। सल्यूशन कर दें अपना, डायमीटर ऑफ बॉल है जी, स्फेयर होंगी है, तो ये दिते हुए 4.2 सेंटीमीटर, गेंद का ब्यास 2.1 सेंटीमीटर पॉइंटा च लिखे रह दिने, ठीक है, तो गेंद का अर्धव्यास इन्ना ही रहेगा, 2.1 सेंटीमीटर। तो यह वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल 4.3 पाई आर क्यूब, गोलाकार गेंद का आयतन। तब वैल्यू पुट करते हैं, 4.3 22.7, तो रेडियस 2.1 है, 3 टाइम लिखांगे, 2.1 ये ही लिखना, मल्टीप्लाई 2.1, 3 टाइम लिखना रेडियस, ठीक है। फोर पॉइंट थ्री, 22.7, 2.1, 2.1, 2.1, चाहे तो तुम डेसीमल रिमूव करके भी कर सकते हो, 7 1 का 7, 3 का 21, 3 1 का 3, 0.1 आऊगा इनू कटिंग करके, ठीक है। हूँ करांगे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 22, 0.1, 2.1, 2.1। हुण देखो 22 नू 4 नाल करांगे 88, ते 21 नू 21 नाल करांगे 441, आपा 88 नाल मल्टीप्लाई कर लैने आ, वन ना करांगे तो इन्ना ही आऊगा, तो वन डिजिट ए हो गया डेसीमल, तो वन डिजिट ए वन ए, 1 2 3 राइट साइड तो लेफ्ट 3 डिजिट मार्क डेसीमल, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हुण आपां इहदा फाइंड करना डेंसिटी, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 8.9 ग्राम।
जे ग्राम दे विच आंसर ज़्यादा होगा तो आप उन्होंने किलोग्राम से कन्वर्ट कर लेंगे। द मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल, हुण इहनूं आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करना, तो इत्थे लिखा नहीं जाना, मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ 38.808 मल्टीप्लाई 8.9 ग्राम, तो इहनूं मल्टीप्लाई कर दिंदे आपां हुण। ਤਾਂ ਇਹ ਆਜੂ ਆਪਣਾ 3 4 5 3 9 1 2 1 ਡਿਜ਼ਿਟ ਏ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ 3 ਡਿਜ਼ਿਟ ਏ ਨੇ 1 2 3 4, ਆਫਟਰ 4 ਡਿਜ਼ਿਟ ਮਾਰਕ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ 3 4 5.39। 3 9 आ रहा तो आप 4 0 भी ला सकते हैं, तो इदा भी लिख सकते हैं। ग्राम 3 4 5.39 ग्राम, ठीक है जी आंसर। तो यदी जगह पे पंजाबी मीडियम लिख लो, एक घन सेंटीमीटर दा पुंज बराबर 8.9 ग्राम, ठीक है। तो यदा लिखांगे तो बाकी तुसी जड़ी आ मल्टीप्लाई की है ये सारी इत्थे कर लेनी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो यह सीगा थर्ड क्वेश्चन, नौ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। सल्यूशन कर दिया अपना, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ एक्स, ठीक है। डायमीटर अर्थ का लेट करांगे एक्स, तो रेडियस है जोड़ा वो हो जूगा रेडियस ऑफ अर्थ 1.2x। पंजाबी मीडियम मान लो धरती का व्यास x, धरती का अर्ध व्यास हाफ होना है इसलिए 1.2x। तो ये तो हो गया अर्थ का, हुण आपां मून का भी लिखना, ठीक है। तो मून का कितना लिखांगे, लिखे हुए क्वेश्चन दे विच द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ मून एक्स अपॉन 4, ये एक्स है तो ये 1/4 है तो अपन 4 ला लेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून एक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 एक्स अपॉन 8, ठीक है जी। तो पंजाबी मीडियम लिख लो आते चन्न का व्यास एक्स अपॉन 4, चन्न का अर्ध व्यास
एक्स अपॉन एट। तो हुण आपां दोनों की रेशो फाइंड करनी है, वट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो आप इतने अपॉन चला लें दोने, ठीक है। वट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो आप पहले इतने वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख लें, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4.3 पाई आर क्यूब। तो आप पाई की 4.3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करते, ओनली रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं। धरती का आयतन 4.3 पाई, तो रेडियस है जोड़ा वो अपने को 1 x upon 2। तो आप 4.3 तो उदा ही रखा, कटिंग नहीं करते पाई, एक्स 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 मल्टीप्लाई करा एक्स क्यूब 2 to the 4 to the 8, ठीक है। इतने मल्टीप्लाई का साइन ला लें, हुण आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून तो फार्मूला तो सेम ही आऊगा, 4.3 पाई आर क्यूब। चन्न का आयतन, तो चन्न का आयतन भी कर दें, 4.3 पाई इसीगा एक्स अपॉन एट, एक्स अपॉन एट, एक्स अपॉन एट, ठीक है जी। तो हुण इहदे विच भी आपां कटिंग नहीं करते, इहनूं इदां ही लिख लैने आ। ये अपना आ जाऊगा 4.3 पाई मल्टीप्लाई एक्स क्यूब अपॉन 512। तो हुण आपां इहनां दी फ्रैक्शन फाइंड करने आ, भी फ्रैक्शन की आ, ठीक है। तो फ्रैक्शन देखते हैं की आउंदी है इहदी। फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। चन्न दे अते धरती दे आयतन दी भिन्न। हुण देखो जिहड़ा चन्न दा वो अपना ही हो गया, चन्न दा वॉल्यूम 4.3 पाई एक्स क्यूब अपॉन 512 अपॉन च ये लवांगे। फोर अपॉन थ्री पाई एक्स क्यूब अपॉन एट। हम देखो 4.3 पाई कटिंग, ठीक है। तो इतने की होगा एक्स अपॉन थ्री, एक्स की पावर 3 अपॉन 512 मल्टीप्लाई इहदे आपां रेसीप्रोकल कर देंगे 8 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। पहला आप ला लेना मून का, फिर आप ला अर्थ का। तो एक्स क्यूब कटिंग 8 वन द 64, तो हो जाएगा 1/64 इस फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क। तो मैं इतने लिखी दिनी हाँ, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए
हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर, टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है, मतलब कि किन्ने लीटर मिलके जड़ा वो अर्ध गोलाकार कटोरा होगा, हेमिस्फेरिकल बॉल कटोरे टाइप किन्ना होगा जे उहदा डायमीटर जड़ा 10.5 सेंटीमीटर तो किन्ना आ सकता, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 10.5 सेंटीमीटर, ये बना लेना तुसी, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल होगा बाउल, एदा हो गया डायमीटर ते रेडियस इना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल तो पॉइंट रिमूव कर लेंगे 10 × 2, ठीक है, तो रेडियस कटिंग कर लेंगे 5 ते 5 टू द 21/4 सेंटीमीटर, पंजाबी मीडियम अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास, तो व्यास तुसी यही लिखना 10.5 सेंटीमीटर अर्ध गोलाकार कटोरे का अर्ध व्यास, तो उत्थे तुसी ये लिख लेना 21/4 सेंटीमीटर, ये सॉल्व कर लेना नाल, ठीक है, हुण आपां इहदा वॉल्यूम फाइंड करांगे, पहला वॉल्यूम फाइंड करांगे फिर उहनू लीटर दे विच कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो फार्मूला ऊपर लिख दें, हेमिस्फेयर है तो 2/3 आ जाऊगा, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, वी वॉल्यूम होंगे इसलिए मैं वी पाता हूँ, 21/4 सॉरी 22/7 21/4 थ्री टाइम्स लिखना, तो कटिंग हो जाएगा 7 × 3 का 21, 3 × 1 का 3, 2 × 1 का 2, 2 × 2 का 4, 2 × 11, ठीक है, तो ये अपना आ गया 21 × 21 ते करेंगे ना 441, 441 × 11 ते करेंगे 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर क्यूब, तो इन्हें आप डिवाइड कर लेने तो फिर लीटर भी लिखना 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 cm³ इक्वल 1/1000 लीटर, तो 303.187 ला लेंगे अपॉन 1000, तो पॉइंट जितने लगे हो तो 3 डिजिट अगे आ जाऊगा 0.303187, तब इन्ने लीटर तो बनाने नहीं अपन ने, ठीक है, तो 3 डिजिट लिख लेने हैं, यह आंसर आ जाऊगा 0.303 लीटर
तो भी अप्रोक्सीमेटली आऊगा लगभग इन्ना क, ठीक है, लगभग तो ये सीगा फिफ्थ क्वेश्चन।